हेलो जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो घर में और खेतों में इतना काम बिजी थी कि वीडियो बनाने के लिए टाइम ही लगा। आज थोड़ा सा टाइम निकाला है वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग जो है लग गए आलू निकालने। अभी इस वक्त जो मैं खेतों में हूँ, आलू निकाल रहे हैं और धनिया भी बीज रहे हैं। और मैंने सोचा क्यों ना आज बहुत दिन हो गए, क्यों ना वीडियो बना ली जाए। अभी जो है मैं यहाँ पर आलू की पैकिंग कर रही थी और ये देख रहे हैं आप आलू का साइज। यहाँ से जो है सड़क उनके पास हमारे खेत है, तो यहाँ से जो है लोग टूरिज्म प्लेसेस भी हमारे जीवनी वैली में, यहाँ से लोग माता शिकारी और देव बड़ा देव कमनाग और देवी दर जाते हैं। तब करके हमारे आलू जो है इस साल यहीं पर ही लोग ले रहे हैं, गाड़ी घूमने जा रहे हैं लोग, तो आलू जो है यहीं पर ले जा यहीं पर ही हमारे बिक रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, तो यही आलू रहे हैं और तो सारे बिक चुके हैं हमारे आलू और रेट भी अच्छा मिल रहा है, 25-30। इस बार पिछले साल तो 10-15 रुपये रेट था, इस बार 25-30 रेट है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है किसानों के लिए कि रेट अच्छा होना चाहिए। पर फसल इस बार नहीं है ना, गर्मी थी इस बार बहुत ज़्यादा, तो सगाई नहीं हो पाई उतनी सगाई नहीं हो पाई आलू की। फिर बहुत ही सगाई हुई इस बार, तो आलू एवरेज इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जो है गाड़ी अभी जा रही है नीचे से, मेरे पास जो है स्पीकर भी नहीं है इस टाइम। तो ये देख रहे हैं आप व्यू। बहुत ही ज़्यादा मस्त हरा भरा मानसून का नज़ारा। और लोग हैं, कुछ इस तरह से पैकिंग किए, कुछ 5 किलो के थैले हैं, कुछ 4 किलो के थैले हैं, तो कुछ इस तरह से बेच रही हूँ मैं। यहाँ पर लोग जा रहे हैं घूमने, देवी दड़, माता शिकारी, देव कमनाग। तो आलू जो यहीं पर ही सड़क के किनारे हैं हमारे खेत, तो यहीं पर बिक रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप आलू जो हमने यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ पर हमने साथ में ही बिजाई कर दी धनिया की। ये देख रहे हैं आप धनिया की बिजाई भी कर ली। तो आप देखते हैं ना खेत कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, पर इनमें जो है मेहनत जो है बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। ये देख रहे हैं आप, चलिए अभी निकाली हुई भी से, बरसात में जो पानी बहुत ज़्यादा आता है, तब करके कुछ इस तरह से बैडर निकाले हुए हैं और चलिए अभी निकाली हुई है। कुछ एक आलू जो है निकालने रह गए हैं, देख रहे हैं आप आगे वाली साइड आलू ये निकालने रह गए हैं। और लोग जो आलू निकाल लिए इस बार, हम जो यहीं पर बेच रहे हैं, तब करके यहाँ साथ में धनिया की बिजाई भी कर रहे हैं, तब करके थोड़ी लेट हो गई। ऐसे तो हमने भी अब तक आलू निकाल लिए होते। और कुछ एक थैले मैंने नीचे रख लिए हैं, पलम की पैकिंग भी की हुई है और 5-5 किलो की पैकिंग जो है आलू की हुई है, 4 किलो की, कुछ एक 4 किलो की है और कुछ एक 5 किलो की है। देख रहे हैं यहाँ पर मैं पलम भी लाई हूँ घर से, ये देख रहे हैं। खट्टा मीठा स्वाद प्लम का, देख रहे हैं। सबसे बड़े आलू का साइज बताती हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप आलू का साइज।
इस बार आलू जो कम है, आलू की सगाई उतनी नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई, गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी हुई इस बार, बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं आप। और यहाँ पर जो है मक्की की बिजाई भी की हुई है, मक्की जो है उग चुकी है, अभी धनिया जो है 10-15 दिनों में उग जाएगा। देख रहे हैं आप धनिया की बिजाई कुछ इस तरह से की हुई है, और धनिया के बाद यहाँ जो है मटर की बिजाई करेंगे, मटर की बिजाई करेंगे लास्ट अगस्त में, जो है यहाँ मटर की बिजाई कर लेंगे। अभी जो धनिया बीजी हुई है यहाँ पर आलू, व्यू देख रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा मस्त। और देख रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है गाड़ी वालों को आवाज़ लगा रही हूँ, आलू पलम आलू पलम आलू पलम आलू पलम। यहाँ से जो बहुत थी गाड़ियाँ जा रही जाती, अब जो है ट्रैफिक थोड़ा घट गया। सरनाहुली देवकन्नु तो बड़ा मेला होता है जीवनी वैली में, देवकन्नु जी के मूल स्थान में, यहाँ से लग जाता है 1 घंटा 2 घंटा। तो वहाँ पर जो है 14 जून को मेला होता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, माता शिकारी के लिए भी, देवदड़ के लिए भी, बड़ा देवकमनाग के लिए भी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है गाड़ियों का, तब तो करके हमारे आलू यहीं पर बिक जाए गए, तो अच्छी बात है ना। तो एक खेत जो है निकालना रह गया हमें आलू का, ये वो देख रहे हैं आप सड़क से नीचे वाली साइड, ये देख रहे हैं आप व्यू, देख रहे हैं आप बहुत ही हरा भरा। आज जो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बना ही ली, और आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखे, बस मैं यूं ही आपके लिए वीडियो लाती रहूं। घर से पानी की बोतल लाई हुई है ना, पानी जो है नहाने के लिए हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी है आज बहुत ही ज़्यादा। चलिए निकाली हुई है ताकि जो है पानी का निकासी हो सके। और मौसम देख रहे हैं आप, सुबह बिल्कुल ठीक और शाम को बादल बादल ही बादल, बारिश हो ही जाती है कभी ना कभी शाम को, शाम के टाइम। देख रहे हैं क्यारी में धनिया की बिजाई हो रही है, और साथ में आलू भी निकाल रहे हैं। ये बेड देख रहे हैं आप, इसमें जो धनिया बीज दिया है, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।